वो नव तारा पद्धति आपको बताती है कि आपके साथ में आपके जो मित्र रहेंगे वो आपके कैसे रहेंगे, आप अपनी लाइफ में आप अपने प्रोफेशन को कैसे बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, आपकी लाइफ में आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा वो आपके साथ में कैसा बिहेव करेगा या वो कैसा रहेगा, आपके बच्चे आपके लिए कैसे फ्रूटफुल होंगे या नहीं होंगे, इवन आप अपने लाइफ का हर एरिया, आपको कोई शुभ मुहूर्त करना है तो वो आप उसमें आपको कैसे, कौन सा ऐसा मुहूर्त है जो बिना पूछे देख कर सकते हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगा, तो वो हम किससे देखते हैं, नवतारा पद्धति से। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। एक मैंने इंस्टाग्राम पे रील डाली थी जिसमें मैंने आपके जन्म नक्षत्र का रहस्य बताने की कोशिश करी थी, लेकिन एक मिनट में मैं उसमें आपको बहुत कुछ नहीं बता सकती थी, तो मैं इसका एक डिटेल वीडियो बना रही हूँ। तो जो जन्म नक्षत्र का रहस्य है वो हम किससे देखते हैं, वो एक हमारी होती है नवतारा पद्धति। जो नवतारा पद्धति होती है वो बहुत पावरफुल होती है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा भी नहीं बनाऊंगी और आपको थोड़े से मैं सिखाने की कोशिश करूंगी। तो उसमें देखिए, इसमें ये हमारे नौ तारा होते हैं, जन्म तारा, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र और अति मित्र। उस दिन मैंने बात करी थी आपके अति मित्र तारे की, लेकिन अब आप पूरा सुनिए। जन्म नक्षत्र, तो पहले आप अपना जन्म नक्षत्र, मैंने जब भी बताया था आपको कि सबसे पहले आपको आपका जन्म नक्षत्र मालूम होना चाहिए कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आप किसी भी साइट पर जाके आप अपना जो टाइम डेट ऑफ बर्थ प्लेस है उसको डाउनलोड करके आप अपना जन्म नक्षत्र निकाल लीजिए। तो अब आप देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। यहाँ मैंने सारे नक्षत्र लिखे हैं अश्विनी से लेकर रेवती तक, ठीक है। तो जो एक जैसे ये अश्विनी मगा मूल, ये किसके नक्षत्र है, ये केतु के नक्षत्र है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि केतु के लिए इन तीन नक्षत्रों का यूज होगा, भरणी पूर्व फाल्गुनी पूर्वाषाढ़ा, ये किसके नक्षत्र है, शुक्र के नक्षत्र है, और कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ा, ये सूर्य के नक्षत्र है, रोहिणी हस्त्र श्रवण, ये चंद्र के नक्षत्र है, मृक्षरा चित्रा धनिष्ठा, ये मंगल के नक्षत्र हैं, आद्रा स्वाति शतभिषा, ये राहु के नक्षत्र हैं, पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाजपद, ये गुरु के नक्षत्र हैं, पुष अनुराधा उत्तरा भाजपद, ये शनि के नक्षत्र हैं, और अश्लेषा ज्येष्ठा रेवती, ये किसके नक्षत्र हैं, ये बुध के नक्षत्र हैं, ठीक है। ये नक्षत्र हैं, अब आपको जन्म नक्षत्र आपने मालूम कर लिया तो अब आपको सिंपल इसमें दिख रहा होगा जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र। जैसे मान लीजिए आप अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो आपके लिए जो दूसरा भरणी नक्षत्र है वो कौन सा नक्षत्र बनेगा, संपत, संपत यानी कि वेल्थ। तो अगर आप भरणी नक्षत्र की कोई भी चीज, भरणी नक्षत्र की अगर कोई ट्री हो गया, भरणी नक्षत्र का सिंबल होगा, इवन शुक्र का, आपके लिए भरणी पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र जो है वो शुक्र के हैं, इन नक्षत्रों के सिंबल, इन नक्षत्र शुक्र से रिलेटेड, शुक्र के किसका कारक है, लग्जरी का कारक है, खूबसूरती का कारक है, क्रीम कलर का कारक है, शुक्र जो है दही का कारक है। अगर आप जो है इन चीज़ों को यूज करते हैं तो आपकी क्या होता है, वेल्थ में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा ये कौन सा नक्षत्र है, विपत नक्षत्र। तो आपको कोई भी नक्षत्र, जैसे रोहिणी नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है तो एक दो तीन, तो उसके लिए आद्रा स्वाति शतभिषा कौन से नक्षत्र होंगे, विपत। विपत आपको पता चल रहा है, विपत मतलब होता है कि आपके लिए ना कोई डिफिकल्टी फेस करना। अगर आप इस नक्षत्र में अगर काम करेंगे, आप राहु की चीजों को यूज करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं विपत्ति आएगी। क्षेम, क्षेम क्या होता है, अपॉर्चुनिटी। आपकी लाइफ में आपके जन्म नक्षत्र चौथा नक्षत्र कौन सा होगा, अपॉर्चुनिटी लाएगा। पांचवा नक्षत्र प्रत्यारी होता है, तो प्रत्यारी क्या करेगा, फिर वो डिफिकल्टी लाएगा। तो जो नक्षत्र विपत, प्रत्यारी और वध, ये जो तीन नक्षत्र हैं जन्म नक्षत्र से, विपत, प्रत्यारी और वध, ये आपकी लाइफ में डिफिकल्टी फेस करेंगे। और जो आपके जो जन्म नक्षत्र से संपत है, क्षेम है, साधक है, मित्र है, अति मित्र है, ये आपको बहुत प्रॉस्पेरिटी लाएगा। अब मैंने उस दिन अति मित्र के बारे में बताया था, तो आपने बोला बारहवा नक्षत्र कैसे हो सकता है, ये अति मित्र नक्षत्र को कैसे देखते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र का अति मित्र नक्षत्र कौन सा होगा, रेवती नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का अति मित्र नक्षत्र कौन सा होगा, अश्विनी नक्षत्र। इसको 27वां भी बोलते हैं, इसको 12वां भी बोलते हैं। 12वां इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी हॉरोस्कोप में 12 खाने होते हैं, तो हम इसको 12वां यानी कि आपसे सबसे 12वां नक्षत्र, उसके अपोजिट नक्षत्र। अपोजिट नक्षत्र कौन सा होगा, कृतिका से भरणी हो गया, रोहिणी से कृतिका हो गया, मृक्षरा से रोहिणी हो गया, तो ये उसका अति मित्र नक्षत्र होगा। अगर इनकी कोई भी आप सिंबल ले लीजिए नक्षत्रों के, इन नक्षत्रों का, जैसे मान लीजिए किसी का, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा,
अब जैसे भगवान श्री राम थे तो उनका वो किस नक्षत्र में पैदा हुए थे, पुनर्वसु नक्षत्र में, तो उनका अतिमित्र नक्षत्र कौन हो गया, आद्रा स्वाति और शतभिषा, ये हो गए। तो उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने ये किसको रिप्रेजेंट करते, आद्रा स्वाति भगवान शिवलिंग को, भगवान शिव की पूजा करना, तो उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करी, अपने अतिमित्र नक्षत्र को एक्टिवेट करा, है ना। ऐसे ही रोहिणी नक्षत्र में कौन पैदा हुए थे, भगवान श्री कृष्ण, तो उनका अतिमित्र नक्षत्र उन्होंने कृतिका, तो देखिए कृतिका नक्षत्र का सिंबल कौन है, मोर है, वो अपने हमेशा मोर पंख अपने पास रखते हैं। कृतिका नक्षत्र क्या होता है, कट करना, काटना, कोई भी तेज चाकू छुरी वाला जो एलिमेंट होता है तो वो क्या है, अपने हाथ में सुदर्शन चक्र रखते थे। तो इस तरह से आपको देखना, मित्र नक्षत्र एक्टिवेट करिए, अतिमित्र नक्षत्र एक्टिवेट करिए, और ये भी नक्षत्र के, चाहे तो नक्षत्र को करिए, चाहे इनके सिंबल करिए, चाहे इन प्लैनेट को, आप प्लैनेट को भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का बुध है, तो बुध क्या हो गया, बुध मरकरी क्या हो गया, आपके घर की लड़कियां हो गई, आपके घर का जो नॉर्थ एरिया, मरकरी कौन होता है, नॉर्थ एरिया, उसको बहुत अच्छा रखे तो आपका ये बुध एक्टिवेट हो जाएगा, अगर आपको नक्षत्र के सिंबल भी नहीं मालूम है। तो इस तरह से हम नवतारा पद्धति को पढ़ते हैं।